चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब फर्स्ट ऑफ टाउन सी ब्लॉक में आज फैसल नवा का आपने इनॉग्रेशन किया, क्या तासुरात है आपके? माशाल्लाह जी, आज फैसल टाउन की हिस्ट्री का एक बहुत ही खुशगवार और खुशियों से भरा दिन है। ऐसा स्कूल के लोग 20-20 साल 30-30 साल लोग इंतजार करते हैं कि कुछ स्कीमें बने, उसमें कोई इस तरह की एजुकेशन की सहूलतें आए। आपको पता है जो गवर्नमेंट के काम होते हैं एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड करना, लेकिन हमने माशाल्लाह आज फैसल टाउन में जो तरनौल इंटरचेंज के पास है वहाँ सी ब्लॉक में ऐसा एक 5-स्टार स्कूल का अफ्ताह किया है जो इस रेडियल में वो 20 किलोमीटर वे में नहीं है, बल्कि हम समझते हैं कि ऐसा कैंपस इस्लामाबाद पिंडी में भी नहीं है। तो ये एक फैसल टाउन में जिस तेजी के साथ आबादी बढ़ रही है, तो इधर एक बहुत अच्छा और म्यारी स्कूल होना चाहिए था। और अभी तो हमने ये पहला स्कूल बनाया स्टेट ऑफ द आर्ट, और आइंदा इंशाल्लाह ताला इससे अच्छे काला यूनिवर्सिटियाँ और मजीद स्कूल बनाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, तो फैसल टाउन के जो रिहायशी हैं और इसके सराउंडिंग में जो रिहायशी है, इसको क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबके लिए हमारी तरफ से ये एक तोहफा है ताकि वो अपने बच्चों को तालीम के देवर से आरास्ता करें, ताकि उनके बच्चे तालीम हासिल कर सके। तो ये पूरे इलाका के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। अच्छा चौधरी साहब, आखिरी सवाल आपके, बाकी आपका स्पीच भी है, फैसल टाउन सी ब्लॉक और बी ब्लॉक, इसके बारे में थोड़ा सा फ्यूचर प्लान आप बता सकते हैं कि आने दिन वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? बार कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला इसका 30-60 का प्लॉट या 40-80-50-90 जी 13 से महंगे होंगे, तो वो इंशाल्लाह एक साल में वो वक्त आने वाला है। और इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान की खूबसूरत लिविंग कम्युनिटी होगी जिसमें बड़े बड़े लोग और अच्छे लोग जो है वो रहना पसंद करेंगे और वो प्लॉट मांगेंगे, तो इधर प्लॉट भी इंशाल्लाह ताला मिलेगा। और वो एक कम्युनिटी की शक्ल ये प्रोजेक्ट तैयार करता जा रहा है कि जिसमें कमर्शियल माल से लेकर स्कूल, स्कूल से लेकर हॉस्पिटल, हर तरह की प्रोडक्ट जो है इसमें मौजूद है। तो आज एक एजुकेशन की कमी थी, तो वो में भी हमने अपने माशाल्लाह पूरी बिल्डिंग का एक एलिवेशन लगाए 5-स्टार स्कूल। अच्छा चौधरी साहब, एक व्यूअर की तरफ से क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में आपने जो बी ब्लॉक में कब्जा लिया था उसमें आपने एक C1 का और एक्सटेंशन की जिक्र की थी, और साथ में आपने कहा था हम जो प्रोजेक्ट लेके आएंगे उसके अंदर हम ये लोगों को खड़ा करेंगे प्लॉट के ऊपर और देंगे, तो उसमें आपने कोई RDUs का कंसेप्ट किया था, तो जो हमारे छोटे इन्वेस्टर है इसके लिए भी उसमें कुछ ऐसी चीज अभी हम एक डाउन पेमेंट के साथ कुछ होगा लेकर आ रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं उसकी जल्द थैंक यू।